हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईटीआई में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सेट शुरू किया था इसरो का, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2012 से लेकर 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि अभी एग्जाम होने वाला है। इसका हमने इसलिए शुरू किया था इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसका हमने 3 सेट कंप्लीट करवा दिया था, जिसका न्यूमेरिकल का पार्ट जो था वो बाकी था थोड़ा बहुत क्वेश्चन, तो आज हम उसे कराएंगे। बाकी क्वेश्चन हमने कल कराया था। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर जाकर चेक करिए और देख लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर और भी वीडियोस आपको देखना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, स्मार्ट आईटीआई, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप आईटीआई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको उस चैनल पे, हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। अरे आप अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, जिसका इसके पहले के क्वेश्चन हमने 10 क्वेश्चन हमने कल करा दिया था सेट 3 का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वीडियो को लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। लंबाई 20 से युक्त घन के प्रत्येक कोने साइड का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। इसमें आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो है 6a², ठीक है। कुल क्षेत्रफल पूछा है तो 6a² ये आपका फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो आपका इसमें देखिए लंबाई 20 दिया है, ठीक है, जो कि एरिया ए के स्थान पर रख देंगे। तो लंबाई 20 दिया है तो 6 × 20 का स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, ठीक है, 240। फिर 240 × इसका गुणा करेंगे तो 2 × 4, 4 का 4 का मतलब आ जाएगा। फिर उसके बाद 400 आ जाएगा, फिर 6 में गुणा करेंगे तो आपका 2400 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में राइट आंसर है, ठीक है। 2400 इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर पे। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, फिर भी हम करा दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आता होगा। तो 2, 3, 2, 3, 4 का एलसीएम है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम सिंपल तरीके से जिस तरह से आप 5, 6 में निकालते आए हैं, ठीक उसी तरीके से बस लिख लीजिए और इसको भाग दे दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, ठीक है। 2 × 3 = 2 × 2 × 2 × 3 लिख देंगे 12, आपका 12D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर पे। 5% के ब्याज दर पर 2 वर्ष में 2000 के लिए साधारण ब्याज है। आपका इसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछा, 2 वर्ष के लिए मूलधन दिया है आपका 2000, 2000 पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से कितना ब्याज बनेगा, ठीक है। तो आपको सूत्र याद होगा क्योंकि सूत्र इसका भी फॉर्मूला होता है, ये आपका सिंपल सा सूत्र है। एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T/100। पी आपका मूलधन है, आर आपका दर है, टी आपका टाइम यानी समय है, ठीक है। तो पी मूलधन आपका 2000 दिया है, 2000 रख दीजिए। फिर उसके बाद दिया है आपका 5% दर, फिर दिया है आपका 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष में आपका टाइम रख देंगे। फिर उसके बाद इसको काट देंगे, आपका आ जाएगा 200, 200 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 200। चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर पे। 1 मीटर त्रिज्या के ठोस गोल का आयतन है, 1 मीटर का त्रिज्या है उसका ठोस गोल का आयतन क्या होगा। अब आयतन का सूत्र जानते होंगे गोलक का, तो इसका फॉर्मूला है 4/3 πr²r³, 4/3 πr³, ठीक है, 4/3 πr का मान 1 मीटर दिया है तो 1 मीटर रख देंगे आपका क्यूब, तो आपका आ जाएगा आंसर 4/3 πm³, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 30 मिनट तक चलती है, ठीक है, तथा अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, उसकी औसत गति क्या है। मतलब कि एक रेलगाड़ी है जो पहले 30 मिनट जो है 50 किलोमीटर घंटे से चलती है, फिर अगले 30 मिनट 60 किलोमीटर घंटे से चलती है,
तो आपको उसकी औसत गति बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बराबर स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब कि औसत गति बराबर वी टू इंटू वी वन इंटू वी टू अपान में वी वन प्लस वी टू। वी वन आपका वेग, प्रारंभिक वेग, और वी टू आपका अंतिम वेग। और वही ठीक है, ऐसे मांगा फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो है प्रारंभिक वेग 50 वी वन रख देंगे और अंतिम वेग 60 वी टू रख देंगे। रखने के बाद आप गुणा कर लीजिए 3000 गुणे दो बटे 110, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ देखिए 600 बटे 11, जब काटेंगे तो आपका ऊपर 600 और नीचे 11 बचेगा। फिर इसको भाग दे देंगे तो आपका 54.54, आपका शुद्ध आंसर जो होगा वो 54.54 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 55 है, तो 55 के लगभग में ये है ऑप्शन, तो आपको 55 पे टिक कर देना है, आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे आज का। त्रिकोण के कोण का पता लगाएं यदि वे दो संबंधी, सात संबंधी, 11 के अनुपात में। त्रिकोण के कोण का पता लगाना है आपको जो कि दो संबंधी, सात संबंधी, 11 के अनुपात में है। ठीक है, संबंधी के पास 11 है तो देखिए सॉल्व करना है, दो संबंधी, सात संबंधी, देखिए त्रिकोण के कोण का मान पता लगा, इसको जब जोड़ेंगे आप तो 11 दो 11 सात 18 दो 20, जोड़ने पर 20 आएगा। अब आपको एक का मान बता रहे, तीनों के जोड़ने पे 20 आ रहा है। ठीक है, अब एक का मान पहले निकाल लीजिए, एक का मान कैसे निकालेंगे, 20x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री तो x बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक का मान 9 आ रहा है तो आप इन सभी में 9 से गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे तो 9 गुणा 18 963 और 9 11 9 यानी 99। ठीक है, तो अब लिख देंगे 18 संबंधी 63 संबंधी 99 जो कि आपका ऑप्शन ए में राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट करिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे। अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि ये दूसरे तक पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।